प्रेरणा का कथा, बस यात्रा से प्रेम लीला तक। यमुना जब बस से उतरी, बाहर बरसात हो रही थी, सड़क पर बहुत ही भीड़ थी। वो भीड़ में से होती हुई शालीमार रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गई। वो यहां एक पुरुष से मिलने वाली थी, पर उन दोनों की पहले कभी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई थी। आजकल की भाषा में उसको ब्लाइंड डेट कहते हैं। उसने समझा कि बारिश के कारण शायद वो पुरुष शालीमार रेस्टोरेंट के अंदर ही चला गया होगा। वो रेस्टोरेंट की खिड़की के शीशे से अंदर देखने लगी, हालांकि वो तो उसको पहचानती भी नहीं थी। उसने देखा कि रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था और किसी भी मेज पर कोई नहीं बैठा था। शीशे के उस तरफ एक वेटर आया और यमुना को देखने लगा। वो रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद यमुना को अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वो एक अजनबी को मिलने वहां आई ही क्यों थी। वास्तव में उसकी सहेली बेटी ने ही यमुना और उस अनजान पुरुष के मिलने का स्थान निर्धारित किया था। उसने अपनी घड़ी देखी और 5 मिनट और इंतजार करने का निर्णय लिया। अचानक उसने उस वेटर को फिर से देखा। वो दूसरी बार खिड़की से उसको देख रहा। वो सोचने लगी कि क्या वो वेटर गुस्सा था क्योंकि वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। वो फिर से खिड़की से गायब हो गया। ठीक उसी समय एक शानदार जैगुआर कार ठीक उसके सामने आकर रुक गई। उसका मनोबल अचानक बढ़ गया। यमुना ने आगे बढ़कर उस कार से उतरने वाले व्यक्ति को हेलो कहा। वो हैरान होकर यमुना को देखने लगा और उसने भी यमुना को गुड इवनिंग कह दी। यमुना कुछ कहना ही चाहती थी, परंतु वह व्यक्ति तो रेस्टोरेंट की खिड़की पर लगे मेन्यू को पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर चला गया। वो अपने आप से बोली, क्या ये वही था? क्या वो इसलिए चला गया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं आई थी? शायद यही हुआ होगा। हाँ, वो उसको देखकर ही निर्णय करने आया था। उसने अपनी घड़ी फिर से देखी, देर हो चुकी थी। वो फिर से सोचने लगी कि वो कार वाला ही था, पर वो उसको देखकर ही चला गया। वो स्वयं भी रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि क्या उसको अंदर जाकर कुछ खाने के लिए मंगा लेना चाहिए। तभी वो वेटर फिर से खिड़की पर दिखा। वो वहां से चल दी और अपोलो सिनेमा में जाकर एक फिल्म देखने लगी। वो फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। वो याद करने लगी कि कैसे वो 16 वर्ष की उम्र में एक ब्लाइंड डेट पर गई थी। उसकी सहेली ने उस लड़के और यमुना को एक जगह पर मिलवाया था। यमुना के पूर्व प्रेमी जैफ को मरे हुए 18 महीने हो चुके थे। वो सोचने लगी कि उसको क्यों कोई और मर्द चाहिए था। जब वो फिल्म के अंत में बाहर आई, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो अंतिम बस पकड़ने के लिए पंक्ति में खड़ी हो गई। 47 नंबर की बस आ रही। उस बस का ड्राइवर पोलैंड का था। कुछ लोग उससे इंग्लिश में बोलने लगे, पर वो उनकी भाषा नहीं समझता था। एक बड़े से लड़के ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यमुना का बस पर चढ़ने का नंबर आया। यमुना ने उस ड्राइवर का मजाक उड़ाने वाले लड़कों से कहा, तुम सबको मालूम है कि किराया कितना है और तुम लोग रोज इस बस से जाते हो, जल्दी अंदर जाओ। और भी बहुत से लोग पंक्ति में हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। ड्राइवर ने यमुना को देखा और आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहा। उसने यमुना से कहा, ध्यान रखना, ये दो लड़के खतरनाक भी हो सकते हैं, ध्यान से घर जाना। पूरी यात्रा के दौरान वो दोनों गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के यमुना को घूरते रहे। वो सोची कि वो उसको डराने का प्रयास कर रहे थे। यमुना को सबसे अंतिम स्टॉप तक जाना था। वो उन लड़कों को पहले भी कई बार उस बस में देख चुकी थी। अंत में यमुना और वो दो लड़के ही रह गए थे उस बस में। जब बस अंतिम स्टॉप पर रुक गई, वो दोनों लड़के नीचे नहीं उतरे। वो दोनों यमुना के उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ड्राइवर ने कहा, ये अंतिम स्टॉप है,
यूना ने उन दोनों लड़कों को फिर से देखा। बस से बाहर जाते समय दोनों में से छोटे वाले लड़के ने यूना के कान में कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो लड़के बाहर चले गए। वो जैसे ही बस से उतरने वाली थी कि बस का दरवाजा बंद हो गया। यूना ने कहा, ये मेरा स्टॉप है, मुझे यहां उतरना है। ड्राइवर ने कहा, अभी उतरना ठीक नहीं है, पर मुझे घर जाना है। दोनों लड़के बस की तरफ आ रहे थे। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मैं तुमको घर पहुंचा देता हूं। वो हैरान हो। ड्राइवर ने कहा, तुम पहाड़ी पर ही रहती हो ना, तुमको कैसे मालूम है ये, तुमको मेरे कारण समस्या हो जाएगी। बस के ड्राइवर ने कहा, आज वैसे भी मेरा नुकसान हो ही चुका है, आज मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी, आज शाम को मुझे एक सुंदर लड़की से ब्लाइंड डेट पर मिलना था, वैसे भी अब बस डिपो में ही लेकर जानी है। यूना ने हैरान होकर उस ड्राइवर को देखा। उसकी सहेली ने कहा था कि उसकी ब्लाइंड डेट पर आने वाला पुरुष सुंदर था। यूना ने उस ड्राइवर को फिर से देखा, वो वास्तव में ही बहुत सुंदर था। वो सोचने लगी कि क्या उस ड्राइवर को मालूम था कि वो ही उसकी ब्लाइंड डेट थी। वो ड्राइवर यूना को बस में बैठाकर पहाड़ के ऊपर तक ले गया। जब उसने बस का दरवाजा खोला, यूना के दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। उसने ड्राइवर से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, अपनी सहेली बेटी को मेरी तरफ से हेलो बोल देना, उसको कहना कि मुझे देर हो गई थी। यूना ने कहा, क्या तुम, हाँ मेरा नाम लेस्टर है, मैं अगले हफ्ते शनिवार शालीमार रेस्टोरेंट में आऊंगा, इस बार मैं देरी नहीं करूंगा, गुड नाइट यूना। मित्रों, अजीब है जिंदगी, लोगों के मिलने के तरीके भी देश और समाज के अनुसार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और वो किसी स्त्री की रक्षा के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। ऐसे लोग प्रशंसा के पात्र होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।